राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से ठोस कचरा प्रबंधन और पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दों पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता एनजीटी चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल रहे। जस्टिस गोयल ने अपने को नोट एड्रेस में कहा कि देश में आतंकी और आपराधिक घटनाओं में हत्याएं होती हैं, उससे ज्यादा हत्याएं पर्यावरण प्रदूषण से हो रही हैं। सेमिनार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती ने संबोधित करते हुए कहा, हमें अपने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम दृढ़ निश्चय की जरूरत है। हमें सेमिनार में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और एनजीटी के वैज्ञानिकों सहित अहमदाबाद, इंदौर, बेंगलुरु, पुणे और हिसार से आए रिसोर्ट पर्सन, नगर निगम परिषद, पालिका, युवा, ईटी और जेडीए अधिकारियों के साथ ही राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अन्य विभाग के अधिकारियों ने भी व्याख्यान दिए। सो आफ्टर इयर्स ऑफ पेशेंस द ऑनरेबल हाई कोर्ट पास्ड अ डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन वाज नो अनट्रीटेड सीवेज विल बी लेट अलाउड टू बी लेट गो इनटू द रिवर or a canal. We have a big canal nearby. So the order was passed. And the Honorable Court also threatened that we'll take contempt, we'll initiate contempt proceedings if untreated sewerage is allowed to be let into the river. की गई है इस वर्कशॉप का उद्घाटन करने के लिए एनजीटी के अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति आदर्श कुमार जी गोयल साहब पधारे, जिन्होंने हम सभी से ये आह्वान किया कि हम सबको भविष्य में यदि स्वयं को बचाना है तो आज पर्यावरण को बचाना होगा। आज हमारे बीच हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय भी पधारे थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और ये कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो उड़ीसा से जब दिल्ली आया तो मुझे पहली बार पता लगा कि पानी भी बिकता है।